एंड दोस्तों सुपर मीटियोर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ काफ़ी इशू हो रहा है भाई यहाँ पर। तो दोस्तों स्लश पे हमारी बाइक नाच रही है थोड़ी सी, प्लस बहुत रिस्की हो जाता है बारिश में चलाना। भाई कश्मीर जन्नता माय गॉड, क्या सुंदर जगह है भाई। दोस्तों कहते हैं कि क्यों सोचें कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो दोस्तों आज है डे टू और आज हम जा रहे हैं उधमपुर से कारगिल, राइट। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6, शायद हम लेट है, लेकिन भाई कल एक्चुअली सो नहीं पाए थे अच्छे से, तो भाई आज अच्छी नींद आई। तो अब सारा सामान पैक करते हैं, पहली बात बहुत सारा बिखरा हुआ है इधर से उधर, एंड उसके बाद निकलते हैं कारगिल के लिए। A few moments later. And सारा सामान पैक कर लिया दोस्तों, अब है ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट हमने खुद बनाया है, उसके ऊपर इसके ऊपर, तो ये रहा हमारा पोहा, ये रही हमारी कॉफी जो हमने खुद बनाया। विशाल भाई हाउ्स द जोश? हाई फुल पंगज फुल हाई बॉय। तो दोस्तों करते हैं ब्रेकफास्ट एंड फिर निकलते हैं आगे के सफर के लिए। अभी बाहर बारिश हो रही है एंड उसकी वजह से पूरा इस बार कंप्लीटली पूरे अच्छे से पैक होके निकलेंगे। तो दोस्तों नीचे आ गए एंड सामान बन गया भाई, यू वोंट बिलीव। इस तामझाम को बांधने के लिए भाई 45 से घंटा लग गया, समझ नहीं आ रहा कैसे बांधे कैसे बांधे, क्योंकि वाटरप्रूफिंग भी ज़रूरी थी और सामान मजबूती से बन जाए वो भी। तो ऐसा कुछ बंधा है भाई सामान हमारा, देखो पूरी भाई साहब ये बड़ी बाइक लग रही, और ये विशाल भाई की बाइक पर भी ऐसा पूरा अच्छे से बन गया सामान, सही है भाई। तो दोनों बाइकें हमारी ऐसी लग रही है मस्त, अब निकलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी। सो अब दोस्तों बस निकल रहे हैं यहाँ से, राइट गोप्रो में मिलते हैं अब सीधा। सो एवरीथिंग इज डन दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से, कारगिल का टारगेट है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। एक्चुअली हम बहुत लेट हो गया, मैप लग गया है, सब कुछ रेडी है, अब निकलते हैं भाई यहाँ से कारगिल के लिए। जय श्री राम। सो दोस्तों गंभीर से निकल गए अब हम, और ऊपर जाना है भाई अब तो। मौसम भाई, मौसम यहाँ का ना एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है जो आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी बारिश कभी भी धूप और कभी भी गर्मी हो जाती है यहाँ पे, तो ये हिसाब किताब बेकार है। और अभी हमारे को फ्यूल डलवाना है भाई, सबसे पहले डलवाना है फ्यूल। तो भैया पहली जो चीज़ है वो है फ्यूल अप, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल अप कराते हैं। फुल कर दो भैया पावर, फुल कर दो, यही कर दो, फुल कर दो। हाँ चलो भाई पीछे कर लेते हैं थोड़ा। बेस्ट ऑफ लक भैया, हैव अ सेफ जर्नी अहेड। तो भाई फ्यूल अप हो गया, फ्यूल अप बहुत ज़रूरी है, और अब यहाँ से निकलते हैं, फ्यूल की टेंशन नहीं रहनी चाहिए यार। एंड दोस्तों सुपर मीटियोर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ काफ़ी इशू हो रहा है भाई यहाँ पर। इवन जो यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना रोड पे, जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर हो रहे हैं, कुछ कुछ स्पीड ब्रेकर में भी ये वहाँ लग जाती है बाइक, तो यार थोड़ा हो जाता है इसके साथ इशू। बाकी पावर का देखो कोई इशू नहीं आ रहा इसके साथ, पावर तो ऑफकोर्स, जबकि हमने 2-3-4 बैग बांध रखे हैं भाई, और मेरे साथ पिलियन भी है भाई, हमारा दोनों का अच्छा वेट हो जाता है। बाकी बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेल, हाँ बस ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा इशू आ जाता है भाई यहाँ पे, बाकी तो सब सही है। चलते हैं आगे निकलते हैं, श्रीनगर 186 ले 686। वाह दोस्तों खूबसूरती है हर जगह। दोस्तों रास्ता तो अब आ रहे हैं सुंदर यार, मतलब क्या ब्यूटी है जम्मू की भाई। कल तो भाई पूरे दिन प्लेन में चलाया भाई, मज़ा नहीं आया एक्चुअली, अब आ रहा है मज़ा यार, मतलब ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और हवा चल रही है भाई थोड़ी सी। तो आज का मिशन हमारा कारगिल जाना है, बाकी मुझे लगता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मॉर्निंग में लेट हो गया है,
बट कोशिश करेंगे दोस्तों आगे से आगे तक जाएं, है ना, एंड सेफली चलना है दोस्तों, क्योंकि यार घूमने का मजा तो सफर का ही है ना मेरे दोस्त। सो दोस्तों फाइनली हमारी फर्स्ट टनल में एंट्री हो रही है, जो कि है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये काफी सुंदर है भाई, ये जो टनल ना अंदर से बहुत सुंदर है। वाओ यार, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी यार। और यहाँ पे वेंटिलेशन का भी देखो फैन वगैरह है, आराम से देखना दोस्तों, एम्बियंस लाइटिंग टाइप का लगा रखा है यार, इतनी सुंदर टनल लग रही है भाई। दोस्तों फाइनली टनल जो है खत्म हो गई है यार, अंदर से बहुत वार्म टनल थी, बहुत वार्म टनल थी एक्चुअली में। सो दोस्तों मैं लद्दाख कर रहा हूँ अपनी सुपर मीटियोर 650 पे, वो भी विद पिलियन और फुल लगेज, एंड जैसा भी एक्सपीरियंस होता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि बारिश का थोड़ा सा फ्लो आ रहा है और ये छोटा सा रेनफॉल। दोस्तों देखो गाड़ी का जाम कितना लंबा है, और दोस्तों हमारे पास है बाइक, इसलिए हम बाइक प्रेफर करते हैं दोस्तों। बारिश गर्मी धूप तो देखो लगती है, ऑफकोर्स सी बात है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, लेकिन दोस्तों बाइक के साथ थोड़ा बहुत फ़ायदा है। अभी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे, हम तो भाई ओवरटेक करके साइड से पतले पतले रस्ते से निकल गए भाई, और उससे बहुत फ़ायदा हो गया हमारे को। और देखो कितनी आगे तक कुछ भी नहीं है, और मुझे लग रहा है ये टनल अभी नई बनी है, आई एम नॉट श्योर दोस्तों, मैं तो पहली बार आया हूँ देखो। और भाई ये टनल है ना दोस्तों, कितना टाइम बचाती है, कितना रास्ता बताती है, क्योंकि पहाड़ घूम के जाना और पहाड़ के बीच में से जाना बहुत फर्क आ जाता है। और ये टनल में अभी लग रहा है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, आई एम नॉट श्योर, पर जो भी है काफ़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत जगह है यार। पहले मुझे लगता था ये छोटे से पाइप बनाए थे, इतने में कितना निकलता होगा, देखो भाई साहब, मतलब वीडियोस में ऐसा लगता है, देखो यार कितनी बड़ी है टनल दोस्तों, खूबसूरती देखो दोस्तों खूबसूरती, वाह, मतलब यार कितना की दुनिया है अपने आप में। दोस्तों हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजल कर रहा है, होप सो बारिश ना मिले यार, बारिश भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, प्लस बहुत रिस्की हो जाता है बारिश में चलाना। तो रोड ना काफ़ी डेवलप्ड हो गए हैं यहाँ पे, और देखो टनल ही टनल है, मतलब तीन चार तो हमने बाइक अभी देखी, और एक और टनल हमारे आगे आ गई है, और आई थिंक यहाँ पर कुछ बन रहा है, सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है आई थिंक, वाओ नॉट श्योर क्या बन रहा है, बट लग रहा है सस्पेंशन ब्रिज। और ये आ गई दोस्तों टनल, फिर से टनल आ गई है, और ये आ गए दोस्तों हम टनल के बाहर, वाओ एक और टनल, माय गॉड, तो टनल से निकले दोस्तों एंड फिर एक और टनल आ गई है, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है यार दोस्तों, देख रहे हो, माय क्या बात है भाई, कितना सुंदर लग रहा है यार, मतलब वो सीनरी किसी ने सामने ला के पटक दियो। भाई कश्मीर जन्नत है, माय गॉड क्या सुंदर जगह है भाई, ओ भाई कितना सुंदर है यार, दिस इज सो सो प्रिटी, हैव अ सेफ जर्नी, जय हिंद। दोस्तों देख ही सकते हो आप सामने यार, स्नो पीक माउंटेन्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, ऐसे ही नहीं कहते जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग दोस्तों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो दोस्तों देख सकते हो श्रीनगर, अंतराग, पहलगाम, श्रीनगर है 55 किलोमीटर, श्रीनगर से तो आगे चले जाएंगे दोस्तों, सोनमार्ग पहुंच जाएंगे जहाँ तक है, बट यार क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है दोस्तों। एंड दोस्तों हमारी देश की आर्मी के लिए एक सल्यूट तो बनता है भाई, हर जगह चप्पे चप्पे पे भाई इंडियन आर्मी तैनात है, सो दैट हम सेफली यहाँ पर घूम सके, देख रहे हो भाई हर जगह, मतलब यार हर जगह इंडियन आर्मी तैनात है भाई, जय हिंद सर, भाई साहब हर जगह यार, हर जगह, क्या बात है क्या बात है। काश अगर व्यू से पेट भरता तो
हम इस सीरीज पर खाना ही नहीं खाते, इतना सुंदर भाई सब कुछ, इतना सुंदर क्या ही बताऊँ। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हम टायर्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड श्रीनगर यहाँ से है सिर्फ 30 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आ गया अपना कुछ लंच, तो अभी भाई लंच करते हैं अपना एंड उसके बाद निकलते हैं आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों लंच हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमारी मंजिल है यहाँ से सोनमार्ग। सोनमार्ग 105 किलोमीटर दिखा रहा है, 2.5 घंटे का सफ़र, 5:30 दिखा रहा है, तो हम 8 बजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट? निकले भाई। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। भाई सारा सामान ले लिया, कुछ भूले तो नहीं? भाई खूबसूरती ना भाई बहुत बढ़िया, मतलब हर एक पल हर एक जगह बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जब हम कल आ रहे थे तो यार दिल्ली से लेकर पठानकोट तक ऑलमोस्ट आई थिंक 600 किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर करेक्टली, 600 किलोमीटर तक प्लेन था। ऊपर से कल इतनी गर्मी थी ना दोस्तों, इतनी गर्मी थी, सो हमारा मूड ऑफ हो गया, हमने कहीं फ़ोटो खींची नहीं अच्छे से, कुछ भी नहीं करा कल। लेकिन दोस्तों आज जब सुबह हुई ना, आज जब निकले, तो दोस्तों सारा मूड सब कुछ चेंज हो गया। और देखो यार रास्ता कितना सुंदर है, वहाँ पहाड़ देखो भाई, स्नो पीक माउंटेन्स है भाई वहाँ पर, यार इतने सुंदर, रोड इतना बढ़िया है दोस्तों। 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, एंड दोस्तों ये मेरा ड्रीम, मतलब कहते हैं ना एक सपना भाई साहब, मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक्चुअल में हम मतलब जा रहे हैं यार लेह लद्दाख एक्चुअल में दोस्तों। मतलब जो जो चीज़ें सुनी थी ना, श्रीनगर, जम्मू, सोनमार्ग, कारगिल, मतलब ये सिर्फ वीडियोज़ में और बस मैप पर ही देखा था, आज हम एक्चुअल में आंखों से देख रहे हैं। और आज पता चला है भाई धरती पर स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहते यार कश्मीर को, भाई हमारा इंडिया इतना सुंदर है यार, इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है सच में, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब आपको क्या नहीं मिलेगा, रेगिस्तान से लेकर बड़े बड़े पहाड़ तक सब कुछ है हमारे भारत में। तो जय हिंद दोस्तों, मतलब यार आई लव माई कंट्री भाई, वंदे मातरम दोस्तों, एक बार कॉमेंट में वंदे मातरम ज़रूर लिखना अपनी इस ब्यूटीफुल सी कंट्री के लिए। तो दोस्तों देख लो ले है 395 और भाई सोनमार्ग के 50 किलोमीटर, सही है भाई सही है। और भाई ये दुनिया ही अलग है भाई, दुनिया ही अलग है यार। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी हमारे को ट्रैफिक मिल गई है क्योंकि हमारे पास भीड़ है दोस्तों, देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है, ऊपर पहाड़ है और सामने है माउंटेन्स। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं सोनमार्ग यार, और भाई इतनी टायरिंग हालत है, नींद आ रही है बहुत क्योंकि आते आते हो गई थी रात, और भाई पूरा मतलब अंधेरे में चला रहे थे यार, सीरियसली यार ये प्लान नहीं था क्योंकि हमने सोचा है कि बस दिन में चलाएंगे और हमारी बाइक में फॉग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भाई बहुत टायरिंग हो रहा है। खैर एंड करते हैं इस वीडियो को, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।